थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एमटी प्रो। माय नेम इज तिलक। तो आज की वीडियो वाली काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मेरे पास है एक सेल्फी स्टिक कम ट्राइपॉड। तो अगर आपको इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, तो यूट्यूब में अगर आप बिगनर हैं या किसी तरह की भी आप फैमिली फंक्शन या किसी भी टूर में जाकर कुछ फोटोज अच्छी तरह से लेना चाहते हैं, तो काफी यूजफुल ये प्रोडक्ट है। साथ में ट्राइपॉड की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी काफी यूजफुल ये प्रोडक्ट है। तो आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, साथ में देखेंगे प्रोडक्ट कितना वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम अपने सेटअप पर, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बॉक्स पैकेजिंग, ये रिटेल पैकेजिंग हमें मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये सेल्फी आपको देखने का मिलेगा। बॉक्स में बाकी कुछ ज़्यादा खास है नहीं। इस तरह यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, जैसे वायरलेस इसके अंदर रिमोट अवेलेबल है, ट्राईपॉड की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेचेबल है और रोटेशन भी आप इसमें कर सकते हैं। और इस तरह भी आप देखेंगे कुछ आपको यहाँ पे इसके डायमेंशन वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर भी एक इमेज आपको देखने को मिलेगी। तो जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं कि बॉक्स में कैसे कंटेंट है। तो कुछ इस तरह का एक तो आपको माइक्रो यूएसबी केबल आपको मिलेगा, जो इसमें ऊपर लाइट है तो इसको आप चार्ज कर सकते हैं। और जो रिमोट है उसके अंदर एक सेल डलता है, उसे भी देख लेते हैं। और तो कुछ इस तरह का आपको ये सेल्फी स्टिक देखने को मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अगर मैं प्राइसिंग के हिसाब से बात करूँ तो काफ़ी ठीक है। हार्ड प्लास्टिक के अंदर ये अवेलेबल है, और यहाँ पर एक नोब दे रखा है जिससे आप इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक लाइट दे रखी है, और यहाँ पे इसको चार्ज करने के लिए माइक्रो यूएसबी का एक पोर्ट दे रखा है जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से आप मोबाइल इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, और ये एडजस्टेबल है तो आप किसी भी एंगल में इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल है, इसको आप निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस पेयर करना है इसको ऑन करके, इसके अंदर सेल लगता है। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे सेल देखने को ये मिलेगा, तो आप इसको इजीली जब ये ख़त्म हो जाए तो इसे इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको अभी हम कर देते हैं बंद, रख लेते हैं साइड में, और इसके अंदर हम दोबारा इसे कर देते हैं यहाँ पे फिक्स। तो इस टाइप से फिक्स करके आप इसको रख सकते हैं। और अब ये देख लेते हैं लाइट। तो लाइट के यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पर एक स्विच है, तो आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जलता हुआ देखेगा। इसमें दो लेवल है, एक और करेंगे तो और ज़्यादा ये करेंगे। तो काफ़ी बेहतर है जब भी आप सेल्फी लेते हैं और या आप कोई भी वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपको फेस पे एक अच्छा लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं तो 2.5 feet का है ये, तो आप इजीली इसके अंदर काफ़ी बढ़िया सेल्फी या वीडियो की जो स्टेबल फुटेज आप इसमें ले सकते हैं। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं तो किस तरह की फुटेज आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन को इसके अंदर आप इजीली फिट कर सकते हैं, और काफ़ी स्ट्रांग है, स्टडी है, तो आपको ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका फ़ोन गिर जाएगा। और उसके बाद आपको ये नोब है यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा टाइट कर दीजिए ताकि आप जिस भी एंगल में रखना चाहते हैं उस एंगल पर सेट रहें। और इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे रिकॉर्डिंग। तो कुछ इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये फ्रंट कैमरा से मेरे रिकॉर्ड हो रहा है, और आप देख सकते हैं किस तरह का फुटेज आपको ये मिल रहा है, और आपको काफ़ी बेहतर यहाँ पे शॉट मिल सकते हैं। प्राइसिंग के हिसाब से, क्योंकि ये 400 से 500 रुपए की प्राइस पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है। इसका मैं जो बेस्ट बाय लिंक है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से चेकआउट इसे कर सकें। अगर 400 से 500 रुपए में अगर ये प्रोडक्ट मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी डील है, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह की इसके अंदर फोटो और वीडियो काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से इसे ट्राईपॉड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ भी आपको स्टडी कोई शॉट लेना हो तो स्टडी शॉट इससे कहीं पे भी रखकर इसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के साथ मैं फिर लौटूंगा अपने चैनल पर। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। बाय।